प्यारे बच्चों, आज छठी कक्षा में हम करेंगे रिवीजन करेंगे प्रश्नावली 1.2 गणित विषय में। पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे दिन और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2551 टिकट बेचे गए। बताएंगे 4 दिन में कुल कितने टिकटों की बिक्री हुई। हम लिखें पहले दिन टिकटों की बिक्री ये 1094, दूसरे दिन टिकटों की बिक्री 1812, तीसरे दिन 2050 टिकट और चौथे दिन 2571 टिकट। यार बच्चों ध्यान रखना, यदि किसी सवाल में कुल निकालना पड़ जाए ना तो हम जोड़ करेंगे, तो संख्या क्या करेंगे जोड़, किन सब का जोड़ करने के बाद क्या आएगा, 7527 टिकट उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7527 टिकट 4 दिन में बिक्री हुई। अगला सवाल है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है, वह 10,000 रन बनाना पूरा करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है। हम लिखेंगे जितने रन बनाना चाहता है 10,000, जितने रन बना लिए 6980, और जितने रन और चाहिए इसका मतलब शेष रन निकालना हमें, तो हम क्या 10,000 रनों में से 6980 रन घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 3020 रन उत्तर आ जाएगा। तो अगला सवाल है प्यारे बच्चों, ये है, एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त करता है, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी यानी निकटतम यानी जो उससे हार गया प्रत्याशी के मत हैं 3,48,700 मत। कहता है सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता, यानी निकालना है क्या क्या करेंगे, उसमें से मत घटा देंगे, यानी जीते हुए प्रत्याशी में से यानी कि जितने उसने दूसरे नंबर के ने मत प्राप्त किए वो घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 2,28,800 मत, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इन तीनों सवालों की आप क्या करें, निकाल निकाल कर देखें, रिविजन कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आप इन सवालों को पक्का कर सकें। धन्यवाद।